जय गुरु जय जगन्नाथ। मु शारदा प्रसाद आपण मानक स्वागत करुच्ची। भगवान कृष्ण कथा पर गोटे कथा दिवाकर दास लिखिंट के गणी पारिबो आकाश तारा के गणी पारिबो बर साधारा के गणी पारिबो सिंधु लहरी के होई पारिबो समुद्र पारी के कही पारिबो कृष्ण महिमा के कही पारिबो तार सीमा के गणी पारिबो आकाश तारा। आकाशरे केते तारा अछंती केही पो गणी पारि दे पारे गणी दे पारे केते समुद्र बाली अछि गणी पारे समुद्र केबे थारु सृष्टि केते दिन हलै लहड़ी आसुछि के गणी दे पारे के कही पारिबो कृष्ण महिमा के कही पारिबो तार सीमा। प्रभुंकर महात्म महिमा केही केबे वर्णना करि पारिबो नाही। आसुचि भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे प्रभु बाल गोपाल कृष्ण भगवान कर जन्म। प्रभुंकर जन्म होउचि बड़ अलौकिक। प्रभुंकर जन्मर कारण कौन? जेतेबेले महाराज परीक्षित पचारिले गोस्वामी सुखदेव परमहंस चूड़ामणि को कहले गुरुदेव कि प्रयोजने जगन्नाथ देव कि गर्भरु सम्भूत। ये जो कृष्ण का जन्म कथा आसला तले भागवत रे कौन पाई कहगला जे कि प्रयोजने जगन्नाथ देव कि गर्भरु सम्भूत। तेणु कहा महापुरुष जगन्नाथ दास जो अच्युतानंद महापुरुष कलम कर जगन्नाथ ब्रह्म पंजर रे वेदांती माने ब्रह्म बोली कही शैव मानकर शिवटी से ही गणपति गणपत्य गणपति कहती शक्त मानकर शक्ति बोलांती एक ब्रह्म से भिन्न नुहंती। ये भगवान जगन्नाथ गणेश अवतार हो पारती बलभद्र उग्र तारा सुभद्रा भुवनेश्वरी नीला द्रेतु जगन्नाथ साक्षात दक्षिण काली सीए मध्य गणेश सीए काली प्रभु नयन हूँ चंद्र सूर्य नयन प्रभु समस्त शक्तिर आधार प्रभु हूँ अवतारी अवतारी समस्त अवतार ग्रहण करते जगन्नाथ महाप्रभु। जीवे भाद्रव मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दिन जीवे जगन्नाथ मंदिर को महाप्रभु पाखे गोटे जेउट लगे आग काल में जेउट कहीं माँ मान को दिहला जो माँ मैंने आसन्न प्रसन्न गर्भा था जेउट टीए खाइले से सुख प्रसव करने जेउट लगे। राम जन्म केत चैत्र मास शुक्लपक्ष नवमी तिथि रही थे चैत्र मास शुक्लपक्ष अष्टमी दिन जीवे जगन्नाथ जेउट टीए खाइबे राम जन्म हे नाभिकटा मंडपटी अच्छी श्रीमंदिर कृष्ण जन्म हे जगन्नाथ ठीक नाभिकटा हे राम जन्म हे जगन्नाथ नाभिकटा हे मासे पर्यंत रामलीला कृष्णलीला जगन्नाथ अनुष्ठित हुए। अनेक प्रभु लीला करुँच नीलकंदर गिरी बसिक नीलाचल धाम बसिक प्रभुंकर तो हूँ लीलामय सी राम थे तृतीया जुगरे प्रभु राम प्रकट होती जन्म होती समस्त ऋषि मुनि देवतावृंद आसी दर्शन कले सूर्य एकचक्र रथदस्य सप्ताहस्वाहन आकाशे भ्रमते नित्य पद्महस्त दिवाकर सूर्य नारायण प्रभु को देखी गोटे मस पर्यंत आ गतिमान हेले नहीं सूर्यंकर नजीवा हेतु चंद्र आसीपाले राति हेलानी। एक गोटे मस गोटे दिन रहा कितु एक कथा देवता मायारे देवमायकुट मायारे कहीं जाणी ही पारे ना एक मस पर चंद्र अले प्रभु को दर्शन कले मन दुख कले प्रभु आपण सभा पछे मुझे देखिली प्रभु कहले चंद्र मन दुख कर ना मो ना श्रीराम मत समेत रामचंद्र बोली कहे प्रभु चंद्र कहले आपण सहित मो ना मिसले आपणटा सुंदर लगे आप मोर लाभ कौन प्रभु कहले चंद्र तुम्हें अपेक्षा कर द्वापर युग आसव मु चंद्रवंशे जन्म होबी मु ये युगरे तृतीया युगरे सूर्यवंशे जन्म होली सूर्य मत प्रथम देखिले द्वापर युग होता मु चंद्रवंश तुमरी वंशे जन्म होबी तुम्हें मत सर्वप्रथमे देख ये गोटे कारण था। आउ थे प्रभु रामकर जन्मदिन पालन हो कौशल्या माँ टे राम को क्षीर खीरी खुवाक दे राम खाइले सुमित्रा माँ प्रभु को खाइबा को देने प्रभु खाइले राजा दशरथों हाथ ठारू खाइले कहारी हाथ प्रभु आज किसी खाऊना सांगसाथी सहित खेलुंट जदि पिलाटा न खाए माँ मन के दुख से बेले जो आउ जो माँ हेल्ले ना हूँ कोकई माँ राम को आोल पर बसईदे कह राम तू कौशल्या माँ हाथ रू खाइलुनि तू सुमित्रा माँ हाथ रू खाइलुनि हेले मुझ जानी राम तू मो हाथ रू खाद्य ग्रहण करू जोबले कोकई माँ प्रभु को खाइबा को दिखे माँ राम कहे माँ तो हाथ रू माँ निश्चय मुझे खाइबे जे कि तू मत मु गोटे जिनस तेत मागि तू दे पारू से कई माँ आज कही राम
तू मागिले मु मो प्राणटा दे पारिबि कोन मागुचु मागे। राम कहिले मा मु जानिचु तू बापांग ठारु दीटा बर पाइबु। ककई चमकी पइले दशरथ राजा मते बर देबे पिलाटा जानला केमिति ना हो सुनि थब काले कहितबि राम को बेसी भलो पाए। राम ठाकुर कहिले मा तू बर मागिबे छिए मु ते मागिबे जे तू सत्य कर। ककई कहिले किए सिना तीन बार सत्य करे मु चार बार सत्य करुचि राम तू जहाँ मागिबु तते मु ताहा ही देबी। सेतबेले राम कहिले मा गोटे बर तू मागिबु तो पु भरत अयोध्या सिंहासन रे राजा हेबो आउ गोटे बर तू मागिबु मा मु 14 वर्ष राम वनवास जीव। सेतबेले ककई माँकर आखिरु धार धार लोटक बहिबाकु लागिला। कहिले ककई माँ कहिले ए कथा शुणवा पूर्वर मो पिंडरु हेत प्राण चली जाइथांता। एभली आज कौ भली दिन रे समय रे मोर रात्रि पाइतला जे एभली दुखद कथा मो कानरे राम तू पकेइलो। सेतबेले राम कहिले माँ मु ये दशरथ मु साधारण नुह माँ प्रभु आज माँ ककई को देखेदेले विश्वरूप। से प्रभु रूप दर्शन कलापर माँ कही राम कहले माँ मु रावण को दंड देवी मारीच को दंड देवी सुबाहु तलका मारि अनेक राक्षस को मारि दुष्ट निवारी संत पाड़ तुनाथ परम दयालु। रामचरित मानस लेखा केत प्रभु अवतार निब जब हो धर्म के हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जितेबाला डुप्लिकेट रावण था डुप्लिकेट बाबाजी हेले राम आसती दंड देवाई धर्म संस्थापन करने मोर अवतार होते ककई माँ हाथ जोड़ीदे कह राम सारा संसार मत कह ककई कुटिला ककई जटिला यही ककई पाई आज राम राजा हवा कथा वनवास गला मु कौन दश पाइबी माँ राम। राम कहले माँ जी भक्त हम सी प्रथम निंदा सह निंदा हूँ शुद्धतार जननी सारा संसार तेत भूल बुझु तो मु बुझी तेत ठीक आम ये भक्त हवा दरकार ये लोक को देखापी लोक आमको भल कह भक्त हबार आवश्यक ना ये समग्र लोक आमको ब्रह्मांड खराब कहू प्रभु जदि आमको ठीक कहू तेब आउ कि आवश्यक ना आम तो बर्तमान प्रभु जी समर्पित नुह ये लोक मानी अधिका प्रभु मुंडिया मारे समय नथब लोक देखने लंबा ही पड़ा प्रभु पाखे कि नथब लोक देखने स्तुति अधिका बुलवा ये प्रभु आम भक्ति कर लोक भक्ति करुचे ये जनता को कहीं के सन्तुष्ट करना तेनाली ककई माँ को राम कहले माँ द्वापर युगर यही कौशल्या माँ हेथ देवकी माँ यही दशरथ राजा पिता हेथे वसुदेव तू हेथु जशोदा माँ मुना देवकी माँ पाखे जन्म होगी तो पाखे माँ बढ़ी समस्ते मत जशोदा नंदन बोली कहे ये गोटे कारण। प्रभु राम जोबले फेरुंती अयोध्या को जमुना नदी कूल रहीगले जमुना सांगे सांगे प्रत्यक्ष प्रकट हो गले कहले जमुना कहले राम प्रभु तुम्हें सूर्य वंश ने जन्म मु सूर्य झील आम भाई भौणी हवा तुम्हें टी मो पाखे आज रात रुहते प्रभु कहे जमुना तुम पाखे मुझ राति रही भरत कही 14 वर्ष पूरीबार गोटे मुहूर्त जदि बीती जाए तो मु अग्नि जाड़ी करी अग्नि में प्रवेश करी सेत मुझ पाखे रही पारिनी आज किए कहले कहीदे आमर प्रभु राम अपेक्षा कर जमुना द्वापर जुगरे मुझना सरजू नदी कूल जन्म हैली हेले द्वापर जुगरे मत समस्त जमुना कूलिया कदम मूलिया बोली कहे। आउ गोटे कारण जितेबले समुद्र सेतु बंद हूँ हनुमान गोवर्धन पर्वत को आनी शुणिले जो समय पर सरीगला सेतुबंध प्रतिष्ठा गोवर्धन को थोदेले गोवर्धन कहला हनु तोते मु अभिशाप देवी आरे मु चिंता करी प्रभुंर ये पादरज प्रभु पादस्पर्श टे पत्थरटे होते सेतुबंध लगी प्रभुंर पादर रजर स्पर्श मुझे से प्रभु कहले हनुमान तुम पर्वत को नि वृंदावन धाम रखीद मो पाद चिन्ह छुई पाइलानी मो पादरजर स्पर्श पाइलानी द्वापर जुगर जो इंद्र बिवाद मो सहित कर सात दिन वर्षा कर बाम हाथर काणी आंगुष्ठी से मुझ सात दिन पर्यटन पर्वत को धारण करी दंडक बंधे प्रभु जाऊँच प्रभु को देखी सब बाबाजी मैंने कहले आम नारी होती आम प्राप्त कर प्रसंग आलोचना बेसी करूना प्रभु कहले तुम्हें अपेक्षा कर द्वापर जुगर मत प्राप्त करनेक भक्त मन इच्छा पूर्ण करने प्रभु आज निराकार नराकार होते एपटे वसुदेव देवकिंर बहर हो कंस निजे रथरे बसई वसुदेव देवकी की छाड़ापी नौ समय रे देवता मैंने चिंता कले कंस जदि भल हो गला ताले प्रभु आउ तो जन्म प्रकट हे ना देवता मैने प्रभु जन्म जन्म हे ना शून्यवाणी कले रे रे असुर कंस शुण न जाणु आपण जार तबाह तू सुते
ତୋତେ ମାରିବ ତାର ସୁତେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭେ ଅବତରୀ ମହି ରଖିବ ତୋତେ ମାରି। ଯେତେବେଳେ କଂସ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିଲା ହାତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଲଗାମ ଥୋଇଦେଲା ଦେବକୀର ବାମ ହାତରେ ଦେବକୀର ଚୁଟିକି ଧରିଛି ଡାହାଣ ହାତରେ ବାହାର କଲା ଖଡ଼ଗ କହିଲା ଦେବତୀ କି ଦେବକୀକି ଏବେ ଯଦି ମାରିଦେବି ମୂଳୁ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା କଳି ଆଉ ଆର ପିଲା ହବ ଯେ ମୋତେ ମାରିବ। ବସୁଦେବ କହିଲା ଧରିଲା କଂସ ପାଦୁ କହିଲା କଂସ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁବଧ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଦ ଆଉ ତୁ ଦେବକୀକି ମାର ନାହିଁ ଏବେ ଆର ବିଭାଗ ରହିଛି ସନ୍ତାନ ସତୀ ହବ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆ ପଛରେ ଆକୁ ଆକୁ ତୁ ଯେତେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି ଯେତେ ଜନ୍ମ କରୁ ତୋତେ ମୁଁ ଦେବି। ବସୁଦେବକୁ ଦେବକୀ ଆଣି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଛି। ଦେବକୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅଟି ହେଇଛି। ବସୁଦେବ ସତ୍ୟ କରିଥିବାରୁ କଂସ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। କଂସ ଚିନ୍ତା କଲା ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭ ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ପିଲା ବୈରି ହେବ ମୋତେ ମାରିବ ବୋଲି ଶୂନ୍ୟମାନ ହେଇଥିଲା ଫେରେଇ ଦେଲା। ରାତିରେ ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କଂସ ସାମ୍ନାରେ ଆଠଟା କାଠି ପକାଇଦେଲେ ହେଲେ କଂସ ଗଣିଲୁ କଂସ ଗଣିଲା 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 କଂସ ପଟେ ଯିଏ ହେଲା 1 ନାରଦଙ୍କ ପଟେ 8 ନାରଦ ନିଜ ପଟୁ ଗଲେ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ନାରଦଙ୍କ ପଟେ ଯିଏ 1 କଂସ ପଟେ 8 କଂସ ପଟେ ଯିଏ 1 ନାରଦଙ୍କ ପଟେ 8 ନାରଦ କହିଲେ କଂସ କାଉ ନାରଦ କାନ୍ଦିଲେ। କଂସ କହିଲେ କାହିଁ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ନାରାୟଣ ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଯାଦବ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଭାବୁଛୁ ନା ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେବାଦେବା ଦେବୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ବିଚାର କରିଥିଲେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ଇଏ ଶୂନ୍ୟମାନେ ଯେତେ କେଉଁଠୁ କହୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି କେତେବେଳେ କେଉଁ ଦେବତା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମାରିଦେବେ କଂସ କ'ଣ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନା ତୋ ପଟେ ଯେ 1 ନମ୍ବର କାଠି ମୋ ପଟେ 8 ମୋ ପଟେ 1 ତୋ ପଟେ 8 ଆଉ ଯଦି ଉପରୁ ଶୂନ୍ୟମାନେ ହିସାବ ହୋଇଥିଲା ଯଦି ଉପରୁ ହିସାବ ହୋଇଯାଇଥିବ ଇଏ ପ୍ରଥମଟା କାହିଁ 8 ନହେବ। କଂସ ଶୁଣିଲା ପରେ କଂସ ନା ମାରିବି ନା ତୁ ମାରେ ନ ମାରେ ମୁଁ କହିବି ଛୋଟ ମାରିଦେ ବାବାଜୀ ପଳାଇଗଲେ। କଂସ କହିଲା ଆଉ ହିସାବ ପୂର୍ବ ପଟୁ ହେଉ କି ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ ହେଉ ଉତ୍ତର ପଟୁ ହେଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ହେଉ ସବୁ ଛୁଆକୁ ମାରିବା ମୋର ଫାଇନାଲ। କଂସ ରାଗିଗଲା ଏମିତି 6 ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ଯୋଗମାୟା ଅନ୍ତର୍ଧାନ କରିଦେଲେ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିର ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ସୁବାସିତରେ ମୋର ମହ 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 କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରହରୀମାନେ କହିଲେ 6 ଗର୍ଭ କଂସ ହତ୍ୟା କଲ ପିଲାକୁ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ତ ବହିରେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲା ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ କ'ଣ ବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିର ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ମହ ମହ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। କଂସ କହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିଦେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିଣ ଉଦର ଦେବକୀ ଦୁଷେଇ ସୁନ୍ଦର ଦେବତାମାନେ ଆସି ଦେବକୀ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରହରୀମାନେ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ତିଥି ଆଜି ଆସିଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତକ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଏ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୋହିଣୀ ବୃଷ ରାଶି କିନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର କେଉଁଠି ଥିଲେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷେ ସକଳ ଗ୍ରହ ଛନ୍ତି ଉଚେ ଅଷ୍ଟମୀ ନିଶି ଅର୍ଘ ଭାଗେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଯୋଗେ ବୃଷ ରାଶିରେ ନିଶା କର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର ବୋଲ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କି ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଦେବକୀ ମା ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଚାହିଁଲା ବସୁଦେବ ଦେଖିଲା ଅନାଦି ମାଧବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସୁଦେବ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ କହିଲା ଏ ଧ୍ୟାନରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲା ଐତେ ଧେନୁ ଉତ୍ସର୍ଗିଲା ଏ ପୁତ୍ର କଂସ ନମାଇଲେ ଦେବୀ ଅଳଙ୍କାର ତୁଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେଠି କହିଛନ୍ତି କଥନେ ନାହିଁ ଆଉ ବେଳ ମୋତେ ଘେଣିଳ ଶୀଘ୍ର ଚଳ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପ୍ରଭୁ ଦିଳ ଯେମିତି ଦେହ କାନ୍ତି ବଳୟ ମଣି ଝଟକାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସୁଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମସ୍ତକ ଧାରଣ କରି ଗୋପ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରକର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆଉ ସମୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଗଲେ କ'ଣ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଉପରେ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟା ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଇଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେବଳ